हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक, आपका सेल्फ रिपेयर गुरुजी। और इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूं कि वाल्व क्लियरेंस को कैसे सेट करते हैं अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर में। तो अगर आप यहां पे देखेंगे इसको, तो ये देखिए, इसमें बहुत ज़्यादा प्ले है और ये इस तरह का साउंड क्रिएट करता है। देखिए साउंड आप सुन सकेंगे इस तरह का। तो ये तो अभी मैं हाथ से कर रहा हूं, बट जब आपका इंजन चलता है तो विद इन 1 सेकेंड में ये बहुत बार अप एंड डाउन 100-150 टाइम्स अप एंड डाउन करता है। डिपेंड करता है कितने आरपीएम पे आपका मोटरसाइकिल चल रहा है, तो समझिए कितना ये इरिटेटिंग साउंड प्रोड्यूस करता होगा। तो वाल्व क्लियरेंस को सेट करने के लिए सबसे पहले आपको इस नट को ओपन करना पड़ेगा, इसको लूज करना पड़ेगा। जैसे ही आप ओपन कीजिएगा ये ढीला हो जाएगा। अब आप कहेंगे कि अगर इसमें बहुत ज्यादा प्ले है तो हम ऐसे एडजस्ट करेंगे कि इसमें प्ले रहेगा ही नहीं, तो साउंड करेगा नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा इस तरह से। तो नहीं, ऐसा नहीं करना है। ऐसा क्यों नहीं करना है? अगर आप इसको पूरा टाइट करेंगे और यहां पे थोड़ा सा भी क्लियरेंस नहीं रहेगा तो ठीक है, टैपेट का जो नॉइज है, जो इरिटेटिंग नॉइज है, वो तो खत्म हो जाएगा, वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। बट प्रॉब्लम क्या होगा, जब ये इंजन चलेगा और हीट होगा तो कोई भी मेटल अगर हीट होता है तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड करता है। तो सिमिलरली इसका वाल भी जब हीट होगा तो वो थोड़ा सा एक्सपेंड करेगा, और उस समय अगर यहाँ पे क्लियरेंस नहीं रहेगा तो आपका वाल्व से लीकेज होने लगेगा। नीचे जो इसका सीटिंग है वहां से आपका लीकेज होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पे एक्सपेंड करने के लिए क्लियरेंस इसे नहीं मिल पाएगा, तो वो नीचे वहां पे गैप बना देगा और जो आपका कंप्रेस्ड एयर है वो लीक करने लगेगा वाल्व से। तो इसीलिए वाल्व में थोड़ा सा क्लियरेंस छोड़ा जाता है, ताकि जब इंजन आपका गर्म हो, आपका वाल्व जब हीटअप हो, तो एक्सपेंशन के लिए उसे स्पेस मिले और कोई भी लीकेज ना हो। तो एक बात आप समझ गए कि वाल्व क्लियरेंस रखना क्यों जरूरी है, क्योंकि एक्सपेंशन के लिए जगह चाहिए वाल्व को, इसलिए वाल्व क्लियरेंस जरूरी है। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है, क्लियरेंस तो रखेंगे, बट कितना रखेंगे, कितना रखना पड़ेगा इसमें वाल्व क्लियरेंस? तो देखिए, जो आपका इंजन होता है उसका एक पार्टिकुलर ऑपरेटिंग टेम्परेचर रहता है, और जो आपका वाल्व जिस मेटल से बना रहता है वो उस टेम्परेचर पे एक खास लेंथ तक एक्सपेंड करता है उस टेम्परेचर पे। तो ये सारे वेरिएबल को ध्यान में रख करके जब ये इंजन डिजाइन होता है तो एक वैल्यू निकाला जाता है। वो वैल्यू आपको वर्कशॉप मैनुअल में मिल जाएगा या किसी किसी ओनर्स मैनुअल में भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको नहीं पता है, आपके ओनर्स मैनुअल में नहीं लिखा है, तो आप सर्विस सेंटर वाले से पूछ सकते हैं, वहां पे किसी भी मैकेनिक से, वो आपके मोटरसाइकिल का क्या है वैल्यू वो आपको बता देगा कि कितना वाल्व क्लियरेंस आपको रखना है। ये देखिए, इस तरह का टूल आता है, आप नोज प्लेयर का भी हेल्प कर सकते हैं, बट ये ज्यादा अच्छा रहता है। तो अब हम लोग इसका गैप सेट करेंगे। तो गैप सेट करने के लिए जो भी आपका रीडिंग है वो वाला स्ट्रिप ले लीजिए और इससे लूज करके यहाँ पे प्लेस कीजिए, और इससे इस तरह से इसके गैप को एडजस्ट कीजिए जहाँ पे आपको सही फील आए। देखिए यहाँ पे, ये देखिए सही है ये वाला पॉइंट, ठीक है। अब इसे हम लोग टाइट करेंगे, पोजीशन को हिलाना नहीं है, वहीं पे होल्ड करके रखना है, इसे वहीं पे पोजीशन करके इसे हम लोग टाइट कर देंगे। देखिए ये टाइट हो गया, तो ये सेट हो गया। और एक बार फिर से इसे हम लोग कंफर्म कर लेंगे कि हमने जो रीडिंग यहाँ पे सेट किया है वो सही आ रहा है कि नहीं। तो हाँ, सही है, ये गैप एकदम सही है। तो इस तरह से आपका वाल्व क्लियरेंस सेट किया जाता है, और मैंने बहुत सारे मैकेनिक को देखा है कि वो अंदाज से इसे एडजस्ट करते हैं, कोई भी वैल्यू अपना सोच के, ऐसा नहीं। इसके लिए फिलर गेज का रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मतलब ऐसा नहीं है कि 1 मीटर 2 मीटर का गेम है, ये जो भी गेम चल रहा है वो MM के अंदर का गेम चल रहा है, तो आप इसमें अंदाज से सेट नहीं कर सकते हैं, इसमें हाई एक्यूरेसी का जरूरत होता है। और जैसे कि आपने सेट कर दिया इसे, और देखिए इसमें थोड़ा सा प्ले है, तो ये साउंड क्रिएट नहीं करेगा, अभी ये साउंड क्रिएट कर रहा है
बट जब आप इंजन को स्टार्ट करेंगे और वो अपने ऑपरेटिंग टेम्परेचर पे पहुंच जाएगा, तो वो जो आपका वाल्व्स है वो एक्सपैंड कर जाएगा और ये जो क्लियरेंस है ये जीरो हो जाएगा, वो एक्सपैंड करेगा और इसे एडजस्ट कर लेगा, तो कोई साउंड नहीं आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है वाल्व क्लियरेंस को सही रखना, अगर आप नहीं रखेगा तो आपका लीकेज होगा। और सपोज आपका वाल्व का क्लियरेंस अगर ज़्यादा है तो साउंड तो एक इरिटेटिंग प्रॉब्लम होता ही है, प्लस एक और प्रॉब्लम होगा कि आपका वाल्व सही से ऑपरेट नहीं करेगा, जहाँ पे उसे ओपन होना चाहिए उसके 3 या 4 डिग्री पहले या बाद में वो ओपन या क्लोज होगा, तो वो भी एक प्रॉब्लम है, आपका ऑपरेशन भी अफेक्टेड होता है। तो इस वाल्व को आपको एकदम एक्यूरेटली एडजस्ट करना है बाय द यूज़ ऑफ फिलर गेज। फिलर गेज पे मैंने एक वीडियो भी बनाया है, वो आप देख सकते हैं, और कुछ नहीं, वही 300-400 में अच्छा से अच्छा फिलर गेज आपको मिल जाएगा, तो बस वो ले लेना है। और इसे एडजस्ट करना है, कैसे एडजस्ट करना है मैंने आपको बता ही दिया इसे। तो हमने अभी एग्जॉस्ट वाल्व को एडजस्ट किया है, सिमिलरली आप इनलेट वाल्व को भी एडजस्ट कर सकते हैं। और इसका वैल्यू था 0.12 और इसका वैल्यू है एडजस्ट करने का 0.08। ये बहुत छोटा क्वांटिटी है और ये कंपेरेटिवली बड़ा है, क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा रहता है एग्जॉस्ट वाल्व में, जो बर्न्ड गैसेज होता है ये इसी के थ्रू बाहर जाता है, तो यहाँ पे ज़्यादा एक्सपेंशन होता है। यहाँ पे इनलेट में फ्रेश चार्ज आता है कोल्ड एयर, तो यहाँ पे एक्सपेंशन कम होता है इसीलिए। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आप समझ गए होंगे कि वाल्व क्लियरेंस क्यों इंपॉर्टेंट है और वाल्व में क्लियरेंस क्यों रखते हैं और कैसे उसे एडजस्ट करते हैं। पूरा आपका जो कन्फ्यूज़न है वो क्लियर हो गया होगा, और आप नेक्स्ट टाइम अपने मोटरसाइकिल या स्कूटर या कार में भी आप खुद से इसे एडजस्ट कर सकते हैं। रही बात वैल्यू की, तो वैल्यू आप ओनर्स मैनुअल या फिर अपने वर्कशॉप में वर्कशॉप मैनुअल से आप देख सकते हैं या पूछ सकते हैं। और मेरा एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको अपने मोटरसाइकिल के बारे में वाल्व क्लियरेंस का सही वैल्यू पता चले तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, ताकि जो हमारे दूसरे फैमिली मेम्बर्स हैं, जो व्यूवर्स हैं, वो इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों को ये वीडियो शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में वो बेल आइकॉन भी प्रेस कीजिएगा, ताकि जब भी मैं नया वीडियो बनाऊँ तो आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। एंड एट लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग।